बेंगलुरु में आज होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शरद पवार शामिल होंगे या नहीं, इस पर पार्टी ने बयान जारी किया है। पार्टी के प्रवक्ता ने साफ किया है कि दो दिन के चलने वाली विपक्ष की बैठक में पवार 18 जुलाई को बैठक में शामिल होंगे। आज पवार की जगह उनकी बेटी सुप्रिया सुले बैठक में पार्टी का नेतृत्व कर सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भतीजे अजीत पवार के बगावत करने के बाद आए सियासी तूफान के बाद से शरद पवार बैकफुट में हैं और अपनी पार्टी को बचाने में लगे हैं। कुछ दिनों बाद उनके भतीजे अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। सूत्रों से जानकारी मिली कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 82 साल के शरद पवार आज बेंगलुरु में होने वाले विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह उनकी बेटी और पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले बैठक में पार्टी का नेतृत्व कर सकती है। बता दें कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की पहली बैठक में शरद पवार मौजूद थे। अब इस पूरे मामले में पार्टी प्रवक्ता ने साफ किया कि शरद पवार विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि पवार 18 जुलाई को बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु आएंगे। आज पवार की जगह सुप्रिया सुले ही बैठक में पहुंच सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।